भोपाल में यूथ कांग्रेस ने एग्जाम में गड़बड़ी, पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। शुक्रवार दोपहर को कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रोशनपुरा चौराहे पर इकट्ठा हुए और सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। अब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी बैरिकेड पर चढ़ गए और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी के प्रेशर से जीतू पटवारी बैरिकेड से गिर गए और कुछ कार्यकर्ता भी घायल हो गए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस भी छोड़े। इसके बाद पुलिस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बसों में ले गई। क्या रहा पूरा, ये पूरी तस्वीर क्या रही, जानिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता घोटाला सहित युवाओं की समस्या को लेकर युवा कांग्रेस ने भोपाल में आज जंगी प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से आए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रोशनपुरा चौराहे पर जमा हुए और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकल पड़े। पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग की। यूथ कांग्रेस ने जैसे ही पहली लेयर तोड़ी, पुलिस ने फौरन वाटर कैनन चलाकर कार्यकर्ताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया। बैरिकेडिंग लगाकर मुस्तैद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। तमाम सारे कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन के जरिए खदेड़ने की कोशिश पुलिस की तरफ से है, क्योंकि ये कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ता सीएम हाउस की तरफ जाने वाले हैं और यहाँ पे ये देखेंगे कि वाटर कैनन का भी यहाँ पे इस्तेमाल तेजी से किया जा रहा है। तेज बौछारों से इन तमाम प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। और आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि यहाँ पे आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया है, जिससे कि ये तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ से तितर बितर हो जाएं। पुलिस की यही कोशिश है कि यहीं पर उन्हें रोक दिया जाए। इस बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी वाटर कैनन के प्रेशर से वो नीचे गिर गए। जो वचन पत्र दिया वो पूरा करें, दलितों पर अत्याचार बंद करें, युवाओं को नौकरी दे, किसानों को दाम दे, अन्यथा बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे इस सरकार। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। जबरदस्त बर्बरता कर रही है सरकार, जैसे हम आतंकवादी हैं। हम जनता की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं और जिस तरह से इन्हें आंसू गैस के बम छोड़े हैं, लाठी चार्ज कराए, वाटर कैनन उपयोग करिए, हम चुप बैठने वाले नहीं है। आप रोजगार की बात हम करने आए थे, ये रोजगार नहीं दे रहे, बेरोजगारी चरम पर है। पिछले 8 दिनों में कांग्रेस का अगस्त के महीने में ये चौथा बड़ा प्रदर्शन था। अब तक कहां कहां प्रदर्शन किए वो देखिए। 6 अगस्त को कांग्रेस ने इंदौर में, 9 अगस्त को लाहौर में, 13 अगस्त को उज्जैन और 30 अगस्त को भोपाल में प्रदर्शन हुआ। वाटर कैनन, आंसू गैस, लाठी चार्ज, तीनों चीज बैरिकेड से पहुंचने के पहले ही आधी दूर पे थे कांग्रेस के साथी और उन्हें वाटर कैनन, लाठी चार्ज, एक साथ ये प्रजातांत्रिक है भाई, वहां जाते हैं, वहां पे बैरिकेड पे चढ़ते और ज्ञापन देते कि 2.5 लाख नौकरियां क्यों नहीं युवाओं की, क्यों 13 करोड़ मकान नहीं बने, क्यों 5000 करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश पे, कर्मचारियों की बात सुनी नहीं जा रही है, पुलिस की बात सुनी नहीं जा रही है। दरअसल यूथ कांग्रेस ने 2 महीने पहले क्या हुआ तेरा वादा अभियान शुरू किया था। इसमें करीब 4.5 लाख युवाओं ने पोस्ट कार्ड लिख कर अपनी समस्याएं बताई थी। आज के प्रदर्शन में युवाओं के पोस्ट कार्ड को सीएम को सौंपे जाने का इरादा था, हालांकि प्रदर्शन तेज होने के कारण ऐसा हो ना सका। हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोक दिया। यूथ कांग्रेस के वो 5 सवाल क्या थे वो देखिए। 2.5 लाख युवाओं को नौकरी आखिर कब मिलेगी? करोड़ों बहनों को आवास कब मिलेंगे? सरकारी नौकरी की परीक्षा फीस कब माफ होगी? नर्सिंग घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी और किसानों को MSP कब मिलेगी? बहरहाल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद इन प्रदर्शनों के जरिए ही सही, लेकिन कांग्रेस प्रदेश में एक बार फिर से जीवित दिखाई दी है, क्योंकि अगस्त क्रांति के नाम से शुरू हुए इन आंदोलनों में प्रदेश के सभी बड़े नेता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।